करेंगे तूफान यास की, जो कुछ ही घंटे बाद तट से टकराने वाला है। बंगाल उड़ीसा में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की चेतावनी है, तूफान के गंभीर चक्रवात में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 155 से 165 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवा के चलने का अनुमान भी है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए समुद्र के तटों की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही हैं। 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है, और तेताऊ के बाद अब यास तूफान ने यहाँ पर चिंताएँ बढ़ा दी हैं लोगों की। 165 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का अनुमान है मौसम विभाग का। आप देखिए किस तरीके से ये तबाही मचाता हुआ नजर आया है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान यास ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। असर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। अगले 24 घंटे में तूफान के गंभीर चक्रवात में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 24 घंटे में तूफान गंभीर साइक्लोन चक्रवात में तब्दील होगा, और इसके और भी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका भी जताई है, और तेज़ हवाओं की आशंका भी यहां पर मौसम विभाग जता रहा है। तेज़ हवाएं भी हमें देखने को मिल रही हैं, और सरकार की तरफ से भी तैयारियां हैं इस यास तूफान से निपटने के लिए। NDRF SDRF की टीमें तैनात कर दी गई। मौसम विभाग ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। तूफान यास के असर से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में भी बारिश की संभावना है। इससे होने वाले संभावित नुकसान को ध्यान में रखते हुए हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि यास चक्रवात के चलते तटीय इलाकों में 2 से 4 मीटर तक ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जो कि हमें नजर भी आ रही है। तो चक्रवाती तूफान यास ने यहां पर टेंशन बढ़ा दी है। आप ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से समुद्र का पानी सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें समुद्र से उठने लगी हैं। और देखिए तबाही किस तरीके से यास तूफान मचाता हुआ नजर आया है। कई घर यहाँ पर क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। बंगाल उड़ीसा में तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है। मतलब साफ है कि यास तूफान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, और अगले 24 घंटे में इस तूफान के गंभीर चक्रवात में बदलने की संभावना आशंका मौसम विभाग ने जताई है। कई इलाकों में तेज बारिश की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई है। तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पेड़ टूट गए हैं, बिजली बाधित हुई है कई क्षेत्रों में, और समुद्र की भी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठती हुई नजर आई हैं, जिससे समुद्र का पानी सड़कों पर बहने लगा। और देखिए किस तरीके से लोग भी वहां पर मौजूद हैं, और इस मंजर को अपने कैमरे में कैद करते हुए लोग भी नजर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी है, जो कि काफ़ी पास कई लोग यहां पर खड़े हुए हैं, ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हालांकि कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 24 घंटे के अंदर ये यास तूफान अपना और भी असर दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा, और एक गंभीर चक्रवात में तब्दील होगा। तो बंगाल उड़ीसा में इसका असर तो देखने को मिल ही रहा है, और तूफान यास के असर से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में भी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में भी इसका असर हमें देखने को मिलेगा, और देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर ये असर दिखाएगा। यास तूफान के चलते कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। हालांकि इंतज़ाम पुख्ता किए गए हैं, आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से मशीनें वहां पर दिखाई दे रही हैं, JCB मशीन, क्रेन यहां पर है, ताकि व्यवस्थाएँ मेनटेन रहें। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है। तटीय इलाकों मैं 2 से 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं, और
हवाओं की बात करें तो 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने की आशंका यहां पर मौसम विभाग जता रहा है। और मंजर भी कुछ ऐसा ही है, आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से तेज़ हवाएं यहां पर चली हैं। और तस्वीरें हमने ये भी देखी हैं कि कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और तेज़ हवाएं चलने से पेड़ भी टूटे हैं और कई इलाकों में बिजली भी बाधित हुई है। तो दाऊते तूफ़ान के बाद अब यास तूफ़ान ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी।